नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में हमने देखा है, मुगल काल पढ़ रहे हैं। मुगल काल में हमने पिछली कक्षा में हमारा जो स्थापत्य कला का पाठ है उसे समाप्त कर दिया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं मुगल काल की जो चित्रकला है, मुगलकालीन चित्रकला। तो यहाँ पर हम देखेंगे मुगलकालीन चित्रकला। मुगलकालीन चित्रकला जो है इसका विस्तार या सुधार या हम देखेंगे शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले तो हम देखेंगे मुगल बादशाह प्रथम कौन सा था, तो वो था बाबर। बाबर की एक पुस्तक है, बाबर के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया। तो कौन सा ग्रंथ लिखा गया हम यहाँ पर देखेंगे, बाबर के द्वारा तुजुक ए बाबरी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तुजुक ए बाबरी, या हम बाबर नामा भी कह सकते। तुजुक ए बाबरी में हमें चित्रकला के बारे में पहली बार जानकारी मिलती है। चित्रकला की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ पर हम देखेंगे इस ग्रंथ में हमें बेहजाद नामक एक चित्रकार का नाम मिलता है। किसका? बेहजाद, बेहजाद नामक एक चित्रकार का नाम मिलता है, चित्रकार का नाम मिलता है। इससे पता चलता है इस पुस्तक से हमें कि जो बाबर है, बाबर भी जो रुचि रखता था चित्रकला में, तथा बेहजाद जो है इसे पूर्व का राफेल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पूर्व का राफेल भी कहा गया है किसे? बेहजाद को। तो इसके बाद हम देखेंगे जो अगला बादशाह आता है मुगल, हुमायूं। हुमायूं हम देखेंगे अगला मुगल बादशाह है जो हुमायूं। हुमायूं को भी चित्रकला का शौक था। हुमायूं के समय हमें एक तो अब्दुल समद और मीर सैयद अली नामक दो चित्रकारों की जानकारी मिलती है, और इन दोनों की सेवाएं प्राप्त की थी किसने? हुमायूं ने। हुमायूं अपने निर्वासन काल में जब भारत से चला जाता है तो वापस आता है, इन दोनों चित्रकारों को अपने साथ लेकर आता है अब्दुल समद और मीर सैयद अली को। इनके अलावा हुमायूं के समय एक अन्य चित्रकार दोस्त मोहम्मद का भी नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? दोस्त मोहम्मद का जिक्र भी यहाँ पर होता है। फिर हम देखेंगे हुमायूं के समय एक हमजनामा, कौन सी? हमजनामा ग्रंथ की रचना होती है। हमजनामा ग्रंथ की रचना होती है जो जिसका प्रवेक्षक है जो मीर सैयद अली को नियुक्त किया जाता है, या इसके निर्देशन में बनकर यह तैयार होती है। तो इसमें हम देखेंगे 1200 चित्रों का संग्रह था। कितने? 1200 चित्रों का संग्रह था। किसमें? मीर सैयद अली के निर्देशन में छपने वाली जो रचित होने वाला ग्रंथ है हमजनामा, जिसमें 1200 चित्रों का संग्रह भी रहता है। इस पुस्तक को हम देखेंगे दास्तान ए अमीर हमजा के नाम से भी जाना गया है। किस नाम से? दास्तान ए अमीर हमजा के नाम से भी जाना गया है। फिर हम देखेंगे आईने अकबरी जो ग्रंथ है, इसमें मीर सैयद अली, एक तो हमने पढ़ा मीर सैयद अली, और दूसरा हम देखेंगे अब्दुल समद जो है, कौन सा? अब्दुल समद के अलावा यहाँ पर 15 चित्रकारों के और नाम मिलते हैं। 15 चित्रकारों के नाम भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, तथा इनमें से 13 हिंदू थे। कितने? 13 जो चित्रकार हैं वो कौन से थे? हिंदू जाति से संबंध रखती थी। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे जो हमजनामा ग्रंथ है, हमजनामा जो ग्रंथ है, मुगलकालीन जो प्रारंभिक चित्रशाला या चित्रकला है, प्रारंभिक
चित्रकला है, चित्रकला है। इसमें सर्वप्रथम हमजनामा ग्रंथ की ही रचना होती है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम हमजनामा ग्रंथ की ही रचना होती है। हमजनामा ग्रंथ की रचना ही हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे अकबर के समय चित्रकला थी जो, देखेंगे हम अकबर कालीन चित्रकला, अकबर कालीन चित्रकला। अकबर के समय भी चित्रकला को बड़ा महत्व दिया जाता है। अकबर के समय हम देखेंगे एक रज्जमनामा, रज्जमनामा ग्रंथ की रचना होती है जो महा भारत का ही चित्रित ग्रंथ रहता है जो रज्जमनामा है। रज्जमनामा, रज्जमनामा दसवंत की कृति थी। किसकी थी? एक अग्रणी चित्रकार था दसवंत। दसवंत जो है अकबर के समय, अकबर के समय का हम देखेंगे अग्रणी चित्रकार रहता है। अग्रणी चित्रकार या महत्वपूर्ण चित्रकार है वो कौन सा है? दसवंत रहता है। और इसी दसवंत की कृति थी रज्जमनामा, दसवंत की कृति थी रज्जमनामा। और रज्जमनामा जो है इसे युद्धों की पुस्तक भी कहा गया है, युद्धों की पुस्तक भी, पुस्तक भी कहा गया है। किसे? रज्जमनामा को। और चित्रकला के इतिहास में यह मील का पत्थर साबित होती है। मुगल कालीन जो चित्रकला का इतिहास है उसमें मील का पत्थर है जो साबित होती है। कौन सी? रज्जमनामा, जो युद्धों की पुस्तक है जिसमें महाभारत के चित्र, जो महाभारत की कथा है उसको चित्रित किया गया है रज्जमनामा में। इसके अलावा हम देखेंगे खानदान तैमूरिया व तूतीनामा। कौन सी? दसवंत के द्वारा हम देखेंगे खानदान तैमूरिया, खानदान तैमूरिया व तूतीनामा, तूतीनामा पुस्तकों की, ग्रंथों की रचना भी की जाती है। बाद में हम देखेंगे जो दसवंत है, दसवंत जो है बाद में हम देखते हैं क्या हो जाता है, मानसिक रूप से, यहाँ पर हम देखेंगे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। और क्या कर लेता है बाद में? आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद एक सर्वोच्च चित्रकार रहता है अकबर के समय, हम देखेंगे सर्वोत्कृष्ट जो चित्रकार है, सर्वोत्कृष्ट हम देखेंगे जो चित्रकार है अकबर के समय का, वो रहता है बसावन। कौन सा है? बसावन जो है, बसावन के द्वारा हम देखेंगे एक चित्र बनाया जाता है। वह चित्र कौन सा था? चित्र था एक कृशकाय, कृशकाय घोड़े के साथ, घोड़े के साथ मजनू को, किसको? मजनू को निर्जन क्षेत्र में, निर्जन क्षेत्र में भटकते हुए चित्रित किया गया, चित्रित किया गया। यहाँ पर प्रश्न बनता है कृशकाय घोड़े के साथ मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकते हुए किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो वह है बसावन। और यह किसके समय का चित्रकार था? अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। फिर इसके बाद हम देखेंगे अकबर के समय भित्ति चित्र जो है, कौन से? भित्ति चित्र भी बनने प्रारंभ हो गए थे, जिसे हम फ्रेस्को पेंटिंग भी कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग भी कहेंगे। यहां पर हम देखेंगे फ्रेस्को पेंटिंग जो है मुगल काल में किसके समय शुरू होती है? अकबर के समय शुरू होती है। तो यहाँ पर हम फिर से देख लेंगे जो मुगल कालीन चित्रकला है, चित्रकला में हम देखेंगे जो शुरुआत कब होती है मुगल कालीन चित्रकला। हम देखेंगे बाबर नामा पुस्तक है, बाबर द्वारा रचित, तुर्की भाषा में रचित है, जिसे तुजुके बाबरी भी कहा जाता है। इसमें चित्रकला की हमें जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि बेहजाद नामक एक चित्रकार है जो बाबर के साथ आया था, जिसे पूर्व का राफेल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पूर्व का राफेल भी कहा गया है। इससे पता चलता है कि जो बाबर है
वह भी चित्रकला में रुचि रखता था। उसके बाद अगला मुगल बादशाह जो आता है वो रहता है हुमायूं। हुमायूं अपने निर्वासन काल से जब वापिस आया तो वह अब्दुल समद व मीर सैयद अली नामक दो चित्रकारों को अपने साथ लाया तथा इनकी सेवाएं भी उसके द्वारा प्राप्त की गई तथा हम देखते हैं इसके अलावा एक दोस्त मोहम्मद नामक चित्रकार का भी हमें उल्लेख मिलता है। फिर हम देखेंगे अब हुमायूं के समय हमदनामा ग्रंथ की रचना होती है जो मीर सैयद अली के नेतृत्व में बनकर तैयार होता है और इसमें 1200 चित्रों का संग्रह हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे हमदनामा अलाउद्दीन कजवनी के द्वारा नफाइस उल मासिर में इसका हमें जिक्र मिलता है। किसका? अलाउद्दीन कजवनी के द्वारा ये ग्रंथ रचित है नफाइस उल मासिर, जिसमें हमें हज़्मनामा ग्रंथ की जानकारी मिलती है। तो फिर हम देखेंगे इसे दास्तान अमीर हमजा के नाम से भी हज़्मनामा ग्रंथ को जाना गया है। और आईने अकबरी में मीर सैयद अली अब्दुल समद के अलावा अन्य 15 चित्रकारों का भी हमें जानकारी मिलती है, जिसमें 13 हिंदू थे। फिर हम देखेंगे जो मुगल कालीन जो चित्रकला है इसमें प्रारंभिक चित्र जो बने हैं, सर्वप्रथम जो बने हैं वो किसमें हमें मिलते हैं? हमजनामा में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? हमजनामा में मिलते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर अकबर कालीन चित्रकला में हम देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे रज़्मनामा ग्रंथ की रचना होती है जिसमें महाभारत कालीन चित्र है। और दसवंत अकबर के समय का अग्नि चित्रकार था जिसकी कृति थी रज़्मनामा। क्या थी? रज़्मनामा, जिसे युद्धों की पुस्तक कहा जाता है, जो इतिहास में मील का पत्थर साबित होती है। इसे हम देखेंगे रज़्मनामा के अलावा हम देखेंगे यहाँ पर दसवंत के द्वारा खानदाने तैमूरी व तूतीनामा ग्रंथों की भी रचना की जाती है। बाद में यह विक्षिप्त हो जाता है मानसिक रूप से और आत्महत्या कर लेता है। इसके अलावा सर्वोत्कृष्ट जो चित्रकार है अकबर का वो है बसावन, जो उसके द्वारा एक चित्र निर्मित करवाया गया है, चित्र बनाया गया है जिसमें कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकते हुए दिखाया गया। किसके द्वारा निर्मित है? बसावन के द्वारा। अकबर के समय और देखेंगे हम भित्ति चित्रों का प्रारंभ है, जो फ्रेस्को पेंटिंग का प्रारंभ है वह भी किसके समय होता है? अकबर के समय होता है। अकबर के समय के कुछ चित्रकार हैं उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे अकबर कालीन कुछ चित्रकार हैं जिसमें हम देखेंगे, एक तो है अब्दुल समद, लाल मुकंद। फिर हम देखेंगे दसवंत, फिर है बसावन। कौन कौन से अकबर कालीन हम चित्रकारों में देखें तो एक तो है अब्दुल समद, लाल मुकंद, दसवंत है, बसावन है और इनमें एक नाम मिलता है सावलदास। किसका नाम मिलता है? सावलदास का। तो यह थे अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार। इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा चित्रकार है जो अकबर के समय का नहीं है, तीन का नाम दे दिया जाएगा और एक दूसरे किसी का। तो हम देखेंगे अब्दुल समद जो है और लाल मुकंद है, दसवंत है, बसावन है और सावलदास जो है किसके समय के चित्रकार हैं? अकबर के समय के चित्रकार हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे अगला मुगल बादशाह जो आता है वो देखेंगे हम जहांगीर। एक और यहां पर अकबर का जो चित्रकार है अब्दुल समद, जिसका नाम क्या था? अब्दुल समद। इसकी चित्रकारी की बात करेंगे, इसके द्वारा चावल के दाने पर अपोलो खेलते हुए व्यक्ति का चित्र बनाया है। किसके द्वारा? अब्दुल समद के द्वारा चावल के दाने पर अपोलो खेलते हुए व्यक्ति का जो चित्र है किसके द्वारा बनाया गया? अब्दुल समद के द्वारा बनाया जाता है, जो किसके समय था? अकबर का ही एक चित्रकार था अब्दुल समद, जिसके द्वारा चावल के दाने पर अपोलो खेलते हुए व्यक्ति का चित्र निर्मित किया गया है, जिसे अकबर के द्वारा
श्री कलम की उपाधि दी जाती है। जहांगीर 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक शासन करता है। अब जहांगीर के समय हम देखेंगे चित्रकला का जो स्वर्ण काल रहता है। शाहजहां के समय में हमने देखा कि जो स्थापत्य कला है वो भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो रहता है, लेकिन जहांगीर के समय हम देखेंगे चित्रकला का स्वर्ण काल था जो जहांगीर का समय था। जहांगीर ऐसा चित्रकार था जिसमें हम देखेंगे एक ही चित्र में जो अनेक व्यक्तियों द्वारा बनाया गया उसमें वह इस बात को स्पष्ट कर देता था कि फला फूल और फला पत्ती फला व्यक्ति द्वारा बनाया गया। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर कोई पौधा बना हुआ है, इसका ये फूल है, इस पर ये पत्तियाँ लगी हुई हैं, ये फूल हैं और ये पत्ती है। मानो यह किसके द्वारा बनाई गई है, फूल किसके द्वारा बनाया गया, बसावन के द्वारा, और पत्ती किसके द्वारा बनाई गई, दसवंत के द्वारा। तो यह चित्र अगर जहांगीर को दिखाया जाए, किसको, जहांगीर को दिखाया जाए, तो जहांगीर स्पष्ट रूप से बता देगा, इनकी मृत्यु के बाद भी बता देगा कि यह फूल बसावन ने बनाया है और यह पत्ती जो है दसवंत ने बनाई है। चित्रकला में इतनी महारत है जो हासिल की थी किसने, जहांगीर ने। तो इस प्रकार का बादशाह था जहांगीर, जिसके समय चित्रकला का स्वर्ण काल रहता है। तो जहांगीर के समय हम देखेंगे आगरा में क्या होता है, एक चित्रशाला की स्थापना की जाती है, और जिसका प्रधान किसे बनाया जाता है, जिसका प्रधान हैरात के आकारीजा को, किसे बनाया जाता है, आकारीजा जो है इसे प्रधान बनाया जाता है चित्रशाला का। उसके बाद हम देखेंगे जहांगीर के समय क्या हुआ, जो परंपरागत चित्रकला है उससे हटकर कुछ किया गया। यहां पर हम देखेंगे जहांगीर के समय छवि चित्र बनने शुरू हुए। जहांगीर के समय बनने शुरू हुए। हम देखेंगे यहां पर प्राकृतिक दृश्य हैं उनको उकेरा जाने लगा, किसके समय, जहांगीर के समय। और व्यक्ति से संबंधित, यहां हम देखेंगे किसी व्यक्ति की जीवनी से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया। व्यक्ति से संबंधित जीवनी से जो संबंधित चित्र होते थे उन्हें चित्रित किया गया, किसके समय, जहांगीर के समय। तो जहांगीर के समय हम प्रमुख चित्रकार देखें, इसके समय जो प्रमुख चित्रकार थे, प्रमुख चित्रकारों में हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे एक तो था फारुख बेग है जो इसने अपनी शुरुआत अकबर के समय की थी। इसके बाद हम देखेंगे बिशन दास। फिर हम देखेंगे मनोहर है। फिर हम देखेंगे अबुल हसन है। यह प्रमुख रहे, फारुख बेग हो गया, बिशन दास, मनोहर, अबुल हसन, मंसूर और दौलत। यह प्रमुख चित्रकार रहे जहांगीर के समय में। तो यहां पर हम देखेंगे जहांगीर के समय फारुख बेग जो है यह बीजापुर के आदिल शाह के दरबार में जाता है और इनका चित्र बनाकर लाता है। दूसरा हम देखेंगे जो बिशन दास को कहाँ भेजा जाता है, फारस के शाह के जहाँ, किसके, जो ईरान का शाह है, ईरान के शाह के जहाँ जाता है और इसके दरबार का जो चित्र है इसके द्वारा चित्रित किया जाता है, बिशन दास के द्वारा। फिर हम देखेंगे जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं दो, हम देखेंगे मंसूर, यहाँ पर हम देखेंगे
जहांगीर के समय के जहांगीर का जो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है, सर्वोत्कृष्ट जो चित्रकार है वो कौन सा है हम उनमें देखेंगे, तो वो रहते हैं एक तो है उस्ताद मंसूर और दूसरा है अबुल हसन जो है, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। और बिशन दास जो है इनका जहांगीर के समय का क्या था, अग्रणी चित्रकार था। और सर्वोत्कृष्ट चित्रकारों की बात करें तो उस्ताद मंसूर व अबुल हसन थे। उस्ताद मंसूर जो है इसे नादिर उल असरार की उपाधि दी जाती है, और अबुल हसन जो है अबुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधि दी जाती है जहांगीर के द्वारा। तो यहां पर हम देखेंगे सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है जो उस्ताद मंसूर है, तो दूसरा अबुल हसन। अबुल हसन जो है यह है व्यक्ति के या हम कहेंगे छवि चित्र बनाने में महारता जो हासिल किसे थी अबुल हसन को थी। इसके द्वारा संत पॉल का चित्र भी बनाया जाता है। संत पॉल का चित्र किसके द्वारा बनाया गया, अबुल हसन के द्वारा बनाया गया। तो जो उस्ताद मंसूर है इसे पशु पक्षी बनाने में महारत हासिल थी, या पशु पक्षियों के जो चित्र है यह बनाने में सिद्ध हस्त था। कौन, उस्ताद मंसूर। इसके द्वारा एक बिरला, साइबेरियाई बिरला जो सारस है उसका चित्र बनाया जाता है। और बंगाल के अनोखा जो पुष्प है उसका चित्र भी इसके द्वारा बनाया जाता है। फिर हम इसके बाद देखेंगे एक इंग्लैंड की लाइब्रेरी में एक चित्र बना हुआ है, चिनार के पेड़ पर बहुत सारी गिलहरियों को अटखेलियां करते हुए चित्रित किया गया है। जो विद्वानों का मानना है कि यह जो चित्र है वो समन्वय रूप से हम देखेंगे दोनों के द्वारा, यानी कि एक तो अबुल हसन दूसरा मंसूर के द्वारा चित्रित है, इन दोनों का इसमें योगदान है। फिर हम देखेंगे जो अबुल हसन के द्वारा जो तुजुक ए जहांगीरी नामक ग्रंथ है इसके मुख्य पृष्ठ पर चित्र बनाए गए हैं, किसके द्वारा, अबुल हसन के द्वारा। फिर से देख लेंगे हम जहांगीर चित्रकला है, जो जहांगीर की चित्रकला है। जहांगीर जो है मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, जो जहांगीर का समय है। यह एक ऐसा सिद्धहस्त व्यक्ति था चित्रकला में जो बता सकता था कि फलां चित्र किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। इसके समय हम देखेंगे आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की जाती है जिसका प्रधान आकारिजा को नियुक्त किया जाता है। जहांगीर क्या करता है, परंपरागत से हटकर क्या करता है, छवि चित्र बनाने पर जोर देता है। प्राकृतिक दृश्यों के चित्र हैं इस समय बनने लगे, और व्यक्ति की जीवनी से संबंधित चित्रों को भी जहांगीर के समय ही चित्रित किया गया। यह कुछ विशेषता रहती है जहांगीर के समय चित्रकला की। फिर हम देखेंगे जो प्रमुख चित्रकार हैं जहांगीर के समय, इन प्रमुख चित्रकारों के नाम यहाँ पर हम देखेंगे। एक तो फारुख बेग है जिसने अकबर के समय शुरुआत की, फारुख बेग। दूसरा है बिशन दास, मनोहर, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर व दौलत इसके समय अग्रणी चित्रकार प्रमुख चित्रकार थे। फिर हम देखेंगे जो फारुख बेग है, फारुख बेग बीजापुर के
सुल्तान, किसके? बीजापुर का सुल्तान है, उसके जहाँ जागीर के द्वारा भेजा जाता है आदिल शाह के दरबार में, यहाँ से यह इसका चित्र बनाकर था। फिर हम देखेंगे अग्रणी चित्रकार जो है कौन, अग्रणी चित्रकार जहांगीर का बिशन दास, यह ईरान के शाह के दरबार में जाता है तथा वहां से चित्र बनाकर लाता है। ईरान के शाह का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? बिशन दास के द्वारा। फिर उसके बाद हम देखेंगे जहांगीर के जो सर्वोत्कृष्ट, कौन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है, उनमें हम देखेंगे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन है। उस्ताद मंसूर जो है, उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी गई, नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई, और अबुल हसन को जहांगीर के द्वारा नादिर उद जमा की उपाधि प्रदान की जाती है। महत्वपूर्ण है यह। फिर हम देखेंगे जो अबुल हसन है, यह छवि चित्र बनाने में सिद्ध हस्त रहता है। अबुल हसन के द्वारा छवि चित्र बनाने में महारता हासिल की गई और इसके द्वारा संत पॉल का चित्र निर्मित किया गया। फिर हम देखेंगे जो उस्ताद मंसूर है, इसके द्वारा पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं और साइबेरिया का सार्स व अनोखा पुष्प भी इसके द्वारा ही, मंसूर के द्वारा बनाया जाता है। फिर हम देखेंगे इंग्लैंड में एक लाइब्रेरी में एक चित्र मिलता है, चिनार के पेड़ पर गिलहरियों को अटकेलियां करते हुए दिखाया गया है। यह जो चित्र है यह अबुल हसन व मंसूर, उस्ताद मंसूर के द्वारा ही बनाया गया है। फिर हम देखेंगे जो अबुल हसन है, अबुल हसन के द्वारा तुजुके जहांगीरी जो पुस्तक है उसके मुख्य पृष्ठ पर जो चित्र बनाए हैं अबुल हसन के द्वारा ही बनाए गए हैं। इसके बाद हम अगला बादशाह जो है वो देखेंगे शाहजहां। शाहजहां की चित्रकला में हम देखेंगे जो शाहजहां है इसके जो चित्र हैं, हम देखेंगे शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है, किसे? शाहजहां को किया गया है। फिर हम देखेंगे शाहजहां के समय रेखांकन व बॉर्डर वाले जो चित्र हैं इनमें उन्नति होती है, किसके समय? शाहजहां के समय। और शाहजहां के समय हम देखेंगे दैवीय प्रकाश पुंज वाले चित्र भी बनने शुरू हुए, दैवीय प्रकाश पुंज वाले जो चित्र हैं किसके समय बनने शुरू हुए? शाहजहां के समय हुए थे। फिर हम देखेंगे शाहजहां के समय जो उसके प्रमुख चित्रकार थे उनमें हम देखेंगे नादिर, मुराद, मीर हासिम, अनूप और चित्रा जो है इसके समय प्रमुख चित्रकार रहते हैं। फिर अंतिम बादशाह हम देखेंगे कौन रहता है? औरंगजेब। कौन सा है? औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा क्या किया गया? चित्र बनाने पर रोक लगा दी, क्योंकि वह इसे इस्लाम के विरुद्ध मानता था। लेकिन अपने अंतिम समय में इसने कुछ चित्र बनाए जिसमें उसे शिकार खेलते हुए दिखाया गया है। जो चित्र बनाने की परंपरा है वो समाप्त कर दी जाती है औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि वह इस्लाम के विरुद्ध मानता है। लेकिन अंतिम समय में उसने शिकार खेलते हुए अपने कुछ चित्र बनाए हैं। फिर मनुची जो एक विदेशी इतिहासकार है, मनुची लिखते हैं कि औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है कि अकबर के जो मकबरा है, अकबर का मकबरा जो है उस पर जो चित्र बने थे उन्हें चूने से पुतवा दिया गया था। और अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा कहाँ पर है? आगरा में है। तो इस प्रकार से हमारा जो चित्रकला का अध्याय है मुगल काल में
आज यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इसी के साथ ही मुगल काल में हमने देखा स्थापत्य कला को पढ़ा और चित्रकला को पढ़ा, और चित्रकला भी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आगे की जो क्लास है हम देखेंगे उसमें मुगलकालीन जो सैन्य व्यवस्था है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।